Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports. अब्बा, आप मुझे स्टेशन छोड़कर आ जाएंगे? जरूरी काम से जाना है मुझे। तो तुम खुद ही चली जाओ, पास ही है स्टेशन। अल्लाह हाफिज। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, आप एक बार आवाज लगा कर तो देखिए, आपके कदमों में आकर बैठ जाएंगे। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे कदमों में बैठे, मानो जो वो चाहिए जिसको मैं अपनी आंखों में बैठा सकूं। किस बात चाहिए आप? शेरान जी, छोटी अम्मी, कौन से हवा के घोड़े पे सवार हो आजकल? ना साथ बैठ के खाना खाते हो, ना अपनी नींद पूरी कर रहे हो। खैरियत है ना? सही कह रही हैं आप, वाकई काफी दिनों से मैं किसी और काम का लायक नहीं रहा। काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम। ऐसा क्या हो गया है? स्कूल का काम है, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। जितनी जल्दी वो बिल्डिंग इस काबिल हो जाए कि बच्चे वहां पे आके पढ़ें, उतना ही अच्छा है। अच्छी बात है। जिसका ये काम था वो तो गांव छोड़ के जा रही थी। आपको पता कितनी मुश्किल से रोका मैंने उसे। मानूर की बात कर रहे हो? जी, वो स्कूल में पढ़ाएगी, घर नहीं आएगी। और शायद पहले ऐसे ही करना चाहिए था मुझे। मेरी गलती है। जा रहे हो? जी। रुको, मैं खाना लगवाती हूँ, खाना खा के जाना। थैंक यू सो मच। खाना बाहर ही खा लूंगा मैं। दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। कोई है जिसका आपसे सामना होगा। जो आपके सामने है वो बहुत होशियार है और वाहिमत भी। जिसका ये काम था वो तो गांव छोड़ के जा रही थी। आपको पता कितनी मुश्किल से रोका मैंने उसे। तुमने मेरा रिश्ता कबूल किया, मेरी जिंदगी में इस बात की बहुत खुशी है मुझे, तुम्हारी मुंह दिखाया। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। कीमती तो है केशवर, रेहाना का जो है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये किसी को दूंगा, लेकिन इसकी असली हकदार तुम ही हो। क्या हुआ? ये इस्तेमाल किया हुआ है, ये सुनकर तुम्हारी नजर में इसकी अहमियत तो कम नहीं हो गई? नहीं शाजी, अहमियत क्यों कम होगी? ये तो बहुत इज्जत की बात है मेरे लिए। पराई चीजें, पराई औलाद, पराई मोहब्बत, जो दिया ठीक नहीं दिया तुमने। अब यहाँ जो कुछ है मेरा है, और ये हवेली किसी दूसरे का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नूरी, मैं वो पूछना चाह रहा था कि तुम छोटी, मेरा मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाओगी या बड़ी क्लासेस भी लोगी? पता नहीं अब्बा, इस बारे में तो बात नहीं हुई अभी। वैसे काम तो काफी तेजी से हो रहा है, मैं गया था देखने। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन? तुम लोग यहीं ठहरो, हिलना नहीं यहाँ से। कौन है? इंशाअल्लाह खैर। ये शोर कैसा है? क्या हो गया? सब खैरियत है? वो घर में चोर घुस के पैसे चुराते नहीं है। क्या क्या? वो तो अल्लाह का शुक्र है मैंने शोर मचा दिया, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे बहुत डर लग रहा है आपका भाई। अरे नहीं, फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन आए कहाँ से? लग ये रहा है कि शायद पीछे छत के रास्ते से आए थे। तो ताला नहीं लगाया हुआ था आप लोगों ने? हम तो एहतियाती कर सकते हैं, आपको पता ही है क्या हालात है। खैर आप खवातीन, आप लोग तो अंदर जाए ना, ठीक है? तुम भी चलो अंदर, और इसीलिए मैं कहता हूँ ताले का कोई एहतियात किया करो। चलो चलो भाई चलो। हाँ ठीक है, इसको देखो, तुम सही कह रहा था। मोइन, क्या कर रहे हो यहाँ पे? किसने बुलाया इसको यहाँ पे? मैंने। मैंने बुलाया और मैंने निकाला इनको यहाँ से। जानता हूं, इसीलिए इनको यहाँ वापस बुलाया क्योंकि इनकी जरूरत है यहाँ। किसकी जरूरत है और किसकी नहीं जरूरत है ये मैं डिसाइड करूं। ठीक, ये पैसे कहाँ खर्च हुए? और इन सब लोगों के साथ बदतमीजी भी की है ना तुमने? तबरेज़ जिस कंपनी का शुमार बेहतरीन कंपनी में होता था, उसके बारे में शिकायतें आ रही हैं, सब स्टैंडर्ड माल के बारे में। और कैसे हुआ ये सब कुछ? मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ सिर्फ प्रोफेशनली डील किया जाए तो ऐसा ही है। मोइन साहब। जी सर। आप कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मुझको ईमेल कर दीजिए। ठीक सर। ताकि सबको पता लगे कि कंपनी का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होता है। और आज के बाद आप सिर्फ मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। एड्रेस साहब जरा बिजी होते हैं। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप जाके अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी सब भी प्लीज़ अपना काम कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना काम कीजिए, थैंक यू। तबरेज़, तबरेज़, तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि वक्त है संभल जाओ प्लीज। शहर से जो किताबें मंगानी है ना, उसकी लिस्ट में भेज दूंगा, उसके मुताबिक मंगवाना। ठीक है? ठीक है चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम आनूर बेटा, वादा पूरा किया कि नहीं? बिल्कुल वादे के मुताबिक आपके दिए ले आई हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 10 हैं। आपको खरीदने? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही देख रहा था। मुझे लगा आपको अपने कमरे में सजाने हैं। कमरे में क्यों सजाऊंगा भाई? चलिए चाचा, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। वो महानूर जी, वो लिस्ट बनाई थी किताबों की जो शहर से मंगानी, एक बार आपको दिखानी थी अगर आप पास वक्त हो तो। जी मैं जरूर देख लेती, लेकिन अब्बा घर पर नहीं है और अम्मा और आयशा को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। सब खैरियत है? खैरियत है, बस बराबर वाले घर में 1-2 दिन पहले डकैती हुई थी। अब हमारी हिफाजत के लिए तो कोई आएगा नहीं, मैं खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लीज आप घर जाइए, मैं फोन पे भेज दूंगा। जी जी जरूर, खुदा हाफिज़। अच्छा अजमल चाचा, मैं चलता हूँ। अरे वाह, नया काम मिला। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा भी कमरा जरा गंदा हुआ है, साफ कर दो। अपना मुंह बंद करो। बात सुनो लड़की, ये जो खुशामदें करती फिर रही हो ना तुम शहराम की, कुछ नहीं होने वाला। क्या लगता है तुम्हें मेरी माँ तुम्हें बहू बना लेगी इस घर की? ख्वाब देखना छोड़ दो। कह भी कौन रहा है जिससे खुद को ही शादी नहीं करना चाहता? बेइज्जती कर रही हो मेरी? हाँ ठीक है, मत सुनो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। थोड़ी बहुत देर इस रिस्पेक्ट बाकी है ना, बिल्कुल बाकी रहो वीर, बचा के ही रख। पैरों तले ना रोन दी जाओगी और पता भी नहीं चलेगा। लड़की से तो जान ही नहीं छूट रही है, कैसे उसमें इतनी हिम्मत आ गई है? दोबारा रास्ता ढूंढ लिया है शहराम तक पहुंचने का। लेकिन शहराम गया तो खुद था ना उसके पास, क्या फर्क पड़ता है? अजीब उलझन में हूं मैं। जमाल साहब के घर गई थी तबरेज़ का रिश्ता लेके, तो वो भी शहराम की वजह से मना कर दिया उन्होंने कि शहराम को ही दामाद बनाएंगे हम। वैसे अगर शहराम और आलिया की शादी हो जाती है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। एमएनए हैं जमाल साहब, उनसे रिश्ता जोड़कर तुम्हारा खानदान मजबूत हो जाएगा। और फिर तबरेज़ को तुम सियासत में डाल देना। भाई कौन कहता है उससे कि आलिया से शादी करे? बात तो ठीक कह रही हो अम्मा, लेकिन फिर तुम सीनत से क्या कहोगी? उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वैसे शहराम आंख उठा के नहीं देखता उसकी तरफ। उसका रिश्ता मैं वहीं पे करूंगी जहां मेरे और मेरे खानदान का फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। खैरियत? आपने इतनी रात को कॉल की? सॉरी, थोड़ा सा लेट तो हो गया, बस कल बहुत बड़ा दिन है, स्कूल का पहला दिन है, तो पूछना था तैयारी कैसी जा रही है आपकी? बहुत शुक्रिया, तैयारी तो पूरी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्यों, आपको लगा था कि आपकी हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा क्या? चलिए जाइए आप यहाँ से, इसलिए बताया था मैंने आपको। मैं चला जाऊंगा, मैं जब मुझे तसल्ली हो जाएगी ना मैं खुद चला जाऊंगा, आप प्लीज बेफिक्र रहें। अब आप आराम करें, देखें कल बहुत बड़ा दिन है, आपको आराम की जरूरत होगी, प्लीज। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जीनत, उस दिन क्या तुमने बड़ी अच्छी एक डिश बनाई थी, वो जरा दोबारा बनाना, नानी को खिलाएंगे। मैंने कुछ कहा है तुमसे? क्या हुआ? आपके नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं है ना खाला जान? आप मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी ना? क्या कह रही हो? आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी शादी कभी शहराम से हो। मैंने तुम्हें पढ़ाया, दिखाया, रहने को जगह दी, इज्जत दी, मोहब्बत दी, फिर कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है, मैं तुम्हें या तुम मुझे। कौन होती हूँ तुम्हारी शादी शहराम से करवाने वाली या रुकवाने वाली। तुम उसके दिल में जगह बना सकी हो, कोई मोहब्बत कुछ है तुम्हारे लिए उसके दिल में। इस दफा तुम्हारी बेवकूफी समझ के माफ कर रही हूँ। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत कर। हाय मानूर। हाय, शहराम चले गए? जी अभी अभी निकलेंगे कुछ वर्कर्स के साथ। बाय द वे मुझे यकीन था कि आप यहाँ वापस जरूर आएंगी। मुझे नहीं था, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। बच्चे आज वाकई में बहुत खुश थे। उनसे कहीं ज्यादा खुश तो मैं हूँ। अब बाय द वे थैंक यू सो मच, आपने इतनी डेडिकेशन के साथ काम किया है। नहीं, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, राइट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सब कुछ हो जाएगा। बल्कि अगर इसी तरह मिलकर काम करते रहे तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। प्लीज मैं तो उनकी बातें सुन के मुतासर हो गई उनसे। ऑनेस्टली मैं भी इसी तरह आपसे मुतासर हुआ था। मुझे अपनी मॉम की जान ना लगी। आप सो तो नहीं रहे थे? ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया मेरे। नींद नहीं आती है मुझे, सारी रात बस ऐसे ही गुजर जाती है। तेरा इश्क जो तारी हुआ। ड्रॉ कर रहे हैं अपना फेवरेट फूड कि हमें खाने में क्या अच्छा लगता है। किसी को आइसक्रीम अच्छी लगती है, किसी को चॉकलेट अच्छी लगती है, किसी को चिप्स अच्छे लगते हैं, और क्या क्या अच्छा लगता है सब ड्रॉ करेंगे। और मुझे बता आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल मेहमान को मिलवाने लाया हूँ। माशाल्लाह, इतने थोड़े अरसे में इतना अच्छा बना लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जान काफी दिनों से स्कूल का दौरा करना चाह रही थी तो आज मैं इनको ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। साहब आपसे ठेकेदार साहब मिलना चाह रहे हैं। अरे हाँ 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 उनको बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं चलता हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, अब लग रहा है कि अपनी सही जगह पे आ गई। मैंने कहा था ना, तुम हवेली के बाहर ही जचती हो। ठीक कह रही हैं आप। इससे आपको ये तो पता चल गया कि मेरा असल मकसद ये बच्चे और ये जगह थी, आपकी हवेली नहीं, जहाँ ऊंची ऊंची दीवारों में घुटन का एहसास होता है। अरे वाह, इतने अरसे में तुमने बोलना भी सीख लिया। बोलना तो पहले भी आता था, लेकिन मेरी तरबियत सामने आ गई थी। मेरे बड़ों ने सिखाया नहीं है मुझे कि किसी को भी हकीर और कमतर समझो। बहुत अक्लमंद हो। मेरा ख्याल था कि तुम रोती धोती शहराम के पास चली जाओगी कि तुम्हारी अम्मी ने इतना जलील किया मुझे, लेकिन नहीं, अच्छी बाजी मार गई। यही तो फर्क है, इन सब में मुझे परवाह शहराम साहब की है। वो बहुत इज्जत करते हैं आपकी, और उन्हें लगता है कि आप भी बहुत इज्जत करती हैं लोगों की। बस उनका ये भरम कायम रखिए, बेहतर है। मिजान कुछ देर रुकेंगी या निकले हम? चलते हैं, ऐसे काफी काम होंगे। जी। मैं बच्चों को बताऊं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? मजा आ रहा है हमारे स्कूल में? अच्छा, आज तो मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, लेकिन मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी और आपके लिए अच्छे से तोहफे लाऊंगी। खुदा हाफिज़। चलो बना लिया? आपकी प्रेजेंटेशन देखी थी मैंने, बहुत अच्छी थी। एक बार फिर देख सकता हूँ मैं आपको अभी भेजती हूँ। मुझे लग रहा है इंटरनेट का कोई इशू है, यहाँ तो नहीं जा रहा। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ? मानूर, अरे आप गए नहीं अभी तक? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, लेकिन आप किन चक्करों में पड़ गई हैं? इसके लिए वर्कर्स हैं हमारे पास। सब मिलकर काम करेंगे तभी तो काम खत्म होगा ना, टीम वर्क जो है। मिस मानूर, फाउंडर, टीचर, पेंटर, आपकी तो एक बड़ी सी तस्वीर होनी चाहिए बाहर एंट्रेंस पर। ऐसी भी अब कोई बात नहीं है। चले फिर हम भी आपको हेल्प करते हैं। अरे आप ये क्यों करें, मैं कर लूंगी। आप ही ने तो कहा टीम वर्क। ये देखिए। चलिए जी, शुक्रिया। आप जानते, मेरी बहन भी यही कहती है मुझसे। मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। स्कूल का नाम सुन के ना सब वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होना भी चाहिए। एक ही बहन है आपकी? आपके घर में कौन कौन है? मैं इकलौता हूँ। मेरे अलावा एक हद से ज्यादा गुस्सा करने वाले अब्बू और एक दोस्तों जैसी मॉम। ये तो हर घर की कहानी है। जरूरी नहीं, मेरी मॉम वाकई में बहुत स्पेशल है। यू नो, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी ताकि किसी का एहसान न लेना पड़े। मुझे संभाला, करियर बनाया, घर को संभाला, और अब वो कराची के सबसे अच्छे और बड़े कॉलेज की डीन है। वाओ, मैं तो उनकी बातें सुन के मुतासर हो गई उनसे। ऑनेस्टली मैं भी इसी तरह आपसे मुतासर हुआ था। मुझे अपनी मॉम की जर्नी याद आ गई। इसका मतलब आप ये काम जरूरत के तहत नहीं बल्कि शौक की वजह से करते हैं। well, जिंदगी में इतनी नवाबी भी नहीं, बिल्स तो हर एक को पे करने हैं ना। बिल्कुल। और वैसे भी मैं समझता हूं कि हमें से हर शख्स कुछ ना कुछ भुलाने के लिए अपने आप को मसरूफ रखता है। क्या हुआ? नहीं, वैसे कुछ याद आ गया था। वैसे आपके आर्टिस्टिक स्किल्स देख के तो हवेली वालों ने कमीशन कर लिया होगा आपको एक तो बड़े-बड़े पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़े लोग हैं, उन्हें हम जैसों की कोई जरूरत नहीं है। रियली? वैसे शहराम साहब तो मुझे बिल्कुल भी इगोइस्टिक नहीं लगता है। शहराम की बात कौन कर रहा है? वो तो ना उस हवेली के लगते हैं और ना ही इस दुनिया के। वैसे बहुत ही अच्छे इंसान है शहराम साहब। आप ठीक है? छोड़िए, ये छोड़ दीजिए, इससे हो जाता है अक्सर। ये ना हो कि हमें दूसरा आर्किटेक्ट बुलाना पड़ जाए। क्या हुआ, खैरियत है? I'm sorry, मुझे कुछ क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। I'm sorry, I need to go. Please. किसी चीज की जरूरत हो तो आप बता सकते हैं। जी, थैंक यू। कौन है? कौन है भाई आप? बाजी, हमें तबरेज़ साहब ने भेजा है, सामान रखना है। भाई सामान ले आओ, जल्दी करो। हाँ भाई, ये सब क्या? तबरेज़ साहब को मैंने मना भी किया था। वो करते वही हैं जो उन्हें ठीक लगता है। अब वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन किसी गैर मर्द से इतने सारे एहसानात में ना मेरा दिल नहीं मान रहा। तो मेरा भी नहीं मानता, इसीलिए इस चीज का हल ढूंढने जा रहे। बाजी, ये सामान कहाँ रखना है? जी, यही रखते हैं। बाजी, तबरेज़ साहब ने बोला था वॉशिंग मशीन और सब सामान सेट करके बाद भी जाना। यही तो फर्क है। इन सब में मुझे परवाह शहराम साहब की है। वो बहुत इज्जत करते हैं आपकी और उन्हें लगता है कि आप भी बहुत इज्जत करती हैं लोगों की। बस उनका ये भरम कायम रखिए, बेहतर है। बेगम साहिबा, अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद करो। जी। बेगम साहिबा, वो शहराम साहब वाली दवा खत्म हो गई है। कोई फायदा नहीं है उसका। कौन सा यहाँ खाना खाता है? फिर रोक दो सिलसिला। बेगम साहिबा, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं है ना? आपने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैं करता रहा जी। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब आगे क्या करना है जी? मदद चाहिए होगी तो बता दूंगी तुम्हें। जी। जंग अपने दूसरे मरहले में पहुंच चुकी है। यहां से जो भी करना है मैं खुद ही करूंगी। दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। अब के ऐसा वार करना होगा कि एक तीर से कई शिकार हों। जी मानूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सो तो नहीं रहे थे? ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया मेरे। नींद नहीं आती है मुझे, सारी रात बस ऐसे ही गुजर जाती है। ओह, लगता है ये नींद की गोलियां छोड़ने का असर है। लेकिन खैर, मैं भी सोच ही रहा था आपको फोन करने के लिए। कैसे रही आपकी मुलाकात अम्मी से? बहुत खुश लग रही थी वो। जी, बहुत खुश थी वो। अपू जान का ख्वाब पूरा हो रहा है, उनको भी इस बात की बहुत तसल्ली है। शराम, वो मैं सोची थी गांव में बहुत अरसे बाद मेला लग रहा है, अगर क्लास के बाद बच्चों को वहां ले जाऊं तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं दुल और जीनत से कहूंगा जरूर आए। आप आएंगे? पूरी कोशिश करूंगा। वो तैमूर और उसके टीम मेंबर से भी कल मिलना है तो। अच्छा, अब चलिए, ठीक है, आप सो जाइए। बस यही पूछने के लिए फोन किया था। भाई कोई तरीका मालूम हो तो बता दीजिए मुझे, नींद खुद तो नहीं आएगी अब। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था स्कूल में जिसे पढ़ते हुए आपको बहुत नींद आती थी? मैथ वो सब्जेक्ट था। तो चले, आज मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अपनी मैथ्स की क्लास में क्या किया और आगे बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी। आपको सुनते सुनते खुद ही नींद आ जाएगी। अच्छा। तो मैंने बच्चों को 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई। आपको पसंद थी? देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव ए स्पोर्ट्स पर।